जनपद सदस्य को फोन के माध्यम से अश्लील भद्दी भद्दी गाली गलौज करते हुए घर से उठाकर जान से मारने की धमकी दिया गया। भीम रेजिमेंट संगठन एवं सामाजिक संगठन और जनपद के सदस्य के द्वारा शिकायत पत्र का ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की गई। आज भीम रेजिमेंट संगठन कोरबा इकाई के पदाधिकारी और समाज सेवक मानीराम भारती ने हरदी बाजार उप पुलिस थाना पहुंचकर क्षेत्र क्रमांक 4 हरदी बाजार के जनपद सदस्य अनिल टंडन ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्रवाई की मांग की। अनिल टंडन ने बताया कि हरदी बाजार क्षेत्र में जनहित के अनेकों कार्य किए जा रहे, लेकिन किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन पर अश्लील भद्दी भद्दी गाली गलौज करते हुए घर से उठाकर जान से मारने की धमकी दिया गया। उन्होंने बताया कि रात के समय लगभग 10 बजे खाना खाकर सोने जा रहा था, तभी 2 अज्ञात नंबरों से फोन पर गाली गलौज करते हुए धमकी दिया गया। तब से मैं डरा सहमा फोन पर पता पूछने से जांजगीर नैला थाना में पुलिसकर्मी हूँ, बताया तो कभी हरदी बाजार में रहता हूँ कह के मेला ग्राउंड हरदी बाजार सोनालिका ट्रैक्टर कॉलेज चौक आने की बात करता है। ये सब मामला को लेकर आज उप थाना हरदी बाजार में शिकायत पत्र देकर मांग किया गया और 7 दिवस के भीतर अज्ञात आरोपी के ऊपर कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई यदि विलम्ब होगा तो सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम मणिराम एमएल एसआर भारती है, मैं समाज से हूँ। आज का घटना रात का घटा है। हमारे भीम रेजिमेंट का अध्यक्ष है अनिल टंडन और 4 क्रमांक पाली के जनपद सदस्य हैं, उनका ऊपर अभद्र व्यवहार किया है और बहुत बड़ा निंदनीय है और ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ना रात के किसी को धमकी नहीं देना चाहिए। हम शासन प्रशासन में गुहार लगाए हैं कि इनको तत्काल गिरफ्तार करें, जो कि व्यवस्था व्यवस्था है जो पहले था वैसे ही चालू रहे, कहीं पर ऐसा घटना ना घटे, जो कि एक बारे हम पुलिस लाइन थाना में आके ज्ञापन देहन। आज के तारीख में देखा था हम, आज विधायक सांसद अब तक नहीं काम करे हैं, एक क्रियाकाल 2 साल के अंदर में इतना काम करे है कि बहुत दुखी मल्ला सुख पहुँचा है। थोड़ा बहुत अनाज है तो दे है, दिमाग दे है, लड़ाई लड़े है सड़क के, बिजली के, पानी के, गरीबों के, एनी टाइम तत्पर खड़ा रहते कि दुख सुख में लोगों के हेल्प करे। वह समाज से जितने कार्यकर्ता हैं एनी टाइम संग में रखे साथ देवर तत्पर खड़े हैं, चाहे कुछ भी हो। और तत्काल हमारे मांग है पुलिस शासन प्रशासन शासन से कि ऐसे अपराधी तत्व तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजे। धन्यवाद। मैं अनिल टंडन, जिला अध्यक्ष भीम रेजिमेंट, जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 4 हरदी बाजार, जनपद पंचायत पाली। अच्छा, आप लोग आज हरदी बाजार पुलिस चौकी किस लिए आए थे? आज हम लोग हरदी बाजार पुलिस चौकी इसलिए आए हैं क्योंकि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मेरे को जान से मारने की धमकी एवं नेतागिरी ज़्यादा कर रहे हो और माँ बहन की गालियाँ और अभद्र अश्लील गालियाँ बहुत ज़्यादा दिए हैं जो अज्ञात व्यक्ति है, उसके खिलाफ़ आज हम लोग हरदी बाजार चौकी पहुँचे थे और यहाँ पर हम लोगों ने आज ज्ञापन दिए हैं कि तत्काल दोषी के ऊपर कार्रवाई किया जाए। किस टाइप का वो लोग गाली गलौज कर रहे थे, महिला से और आपको? महिला से नहीं किए हैं, दरअसल मेरे से ही गाली गलौज किए हैं और लोग मेरे को मालूम नहीं है कि कहाँ से आए हैं, कैसा है, उन लोगों के बारे में मेरे को जानकारी नहीं था। अज्ञात व्यक्ति हैं, अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा इस तरह से किसी भी व्यक्ति को गाली गलौज करना विचाराधीन विषय है और हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर तत्काल कार्रवाई करते हुए, और उन्होंने यह भी बोला है कि मैं पुलिस वाला हूं और पुलिस वाले हूं करके मेरे को धौंस दिखा रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, मोबाइल पर बहुत करीबन 4 से 5 घंटा तक मेरे को कॉल किए हैं रात को 1 बजे तक और बहुत ही अश्लील शब्दों से मतलब गाली गलौज करते रहे हैं और साथ में साथियों को भी हमारे जो थे जिनको मैं बोला कि आप भी बात करके देखो कौन आदमी हैं, तो वो रहता कभी हरदी बाजार कहूँ तो कभी जंजीर नैला कहूँ, कभी हरदी बाजार कॉलेज चौक आओ तो कभी मेला ग्राउंड आओ, इस तरह से वो गुमराह भी। अब आगे की रणनीति यह है कि यदि यहाँ पर हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम आगे SP कार्यालय तक जाएंगे, वहाँ भी अगर नहीं मिलता है तो फिर हमको रोड की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अपने अधिकार के लिए हमको तो लड़ना ही पड़ रहा है हमेशा, जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक हमको न्याय मिलेगा नहीं। यही है कि अब शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है तो दोषियों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति किसी भी को गाली दे सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि तत्काल इस पर थाना प्रभारी जो है अपना
एक्शन लें और तत्काल अपराधी को गिरफ्तार करें। भीम रेजिमेंट पूर्वा जिला प्रभारी, आज हम हरदी बाजार चौकी इसलिए आए हैं कि हमारे जिला अध्यक्ष श्री अरिंद टंडन जी को फोन में अभद्र वार्तालाप किए हैं, माँ बहन के गाली दिए हैं, उनको धमकी दिया गया है कि आप भीम रेजिमेंट में बहुत बड़े पदाधिकारी बन गए हो, आप जनप्रतिनिधि बन गए हो, जनपद सदस्य भी हैं वो हमारे पाली ब्लॉक के वार्ड क्रमांक 4 से 4 पंचायत से हैं वो, और अभी इन्होंने इतना अच्छा कार्यकलाप अपना किया है कि रोड पानी बिजली हर दिन दुखियों का मदद के लिए ये हमेशा सेवा भाव से तत्पर हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि और हमारे भीम रेजिमेंट के जिला अध्यक्ष के ऊपर अभद्र गाली गलौज और माँ बहन की गाली दे रहा है, कभी उठाने का धमकी दिया जा रहा है, इस तरीके से ये राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है या कोई गुंडा मोमाली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे जनप्रतिनिधियों को आज शासन प्रशासन से निवेदन है कि वो उनका सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि किसी भी नेता मंत्री या जनपद सदस्य सरपंच के साथ में ऐसा अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर हमें तत्कालिक न्याय नहीं मिलता है तो भीम रेजिमेंट आने वाले समय में SP कार्यालय और पूरा प्रदेश स्तर में धरना प्रदर्शन करेगा। दोषियों को सख्त सजा और कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी कोरबा टीम से